इंस्टाग्राम से हुआ प्यार, पति को छोड़कर पत्नी हो गई फरार, अब पत्नी की वापसी के लिए पति लगा रहा है गुहार। जी हाँ, अभी हमारी मौजूदगी कटिहार के ड्राइवर टोला क्षेत्र है और आप हमारे पीछे तस्वीर में देख सकते हैं कि विजय नाम है इस युवक का, और यह युवक जो है कभी एक युवती से जो है प्रेम करके शादी किया, लगभग उसके साथ 18 महीने उसके साथ बिताए। उसके बाद जो इसकी पत्नी थी वह इंस्टाग्राम के जरिए किसी और लड़के से प्यार कर बैठी, उसके बाद जो है इन्हें छोड़कर जो है वो कहीं और चली गई, जिसके बाद जो उसके पति हैं विजय वह लगातार जो है उसकी वापसी के लिए जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, जो अपने परिजन है परिवार है उनसे भी संपर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ जो प्रशासनिक स्तर पर उनकी खोज जो है वो भी करवा रहे हैं। हमारे साथ विजय जी है, सबसे पहले क्या थी पूरी कहानी वो हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार साहब। विजय जी, क्या हुआ है, आप परेशान हैं? सर, सबसे पहले हम दोनों एक दूसरे शादी समारोह में प्यार किए, डेवर टोला उसके नानी के घर से, तो हम दोनों एक साल तक बात भी किए और उसके दोनों घर वाले के खिलाफ भी अपने मन से शादी किए, कोर्ट मैरिज से किए थे, और वो धीरे 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 जो है इंस्टाग्राम पे किसी और से बात करते करते किसी और के साथ भाग गई। लगभग कितना दिन रहे आप लोग साथ? 18 महीना। 18 महीना रहे। जी। कैसे शादी किए थे आप लोग? हम लोग कोर्ट से किए थे, कोर्ट मैरिज। जी, कोर्ट का कागज भी है। तो अब कहाँ चली गई वो? अब वो कहाँ गई नहीं गई, इंस्टाग्राम पे और बेगूसराय का अमित प्रेम नाम का लड़का है, उसी का फोटो भी है। वो December 15 को फोटो छोड़ी थी 2023, और उसी के थ्रू हमें पता चला कि वो लड़का अमित प्रेम है बेगूसराय का, उसी के साथ फोटो वोटो छोड़ी, तो वो मैं मीडिया में डाला। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे चाहते हैं इसलिए लड़की जहाँ भी हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लड़की अपना आके डिवोर्स पेपर में साइन कर दे और वो अपना जहाँ रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। लगभग 18 महीने आप लोग रहे थे साथ में? जी। तो बच्चे भी हैं आपको? नहीं, बच्चे नहीं है। नहीं। तो आपको ये बात कैसे पता चला कि वो के साथ भागी है? वो इससे पहले एक दो बार इंस्टाग्राम में मैसेज भी की थी और वो लड़का खुद बोला अन्नु, मतलब उसका साली है, तो उसका आईडी से इंस्टाग्राम से मैसेज करती थी, तो उसी दौरान हम लोग बातचीत भी किए और वो लड़का भी बोला प्रेम अमित कि मैंने लड़की से एक दो बार 4-5 महीने पहले मिलने भी आए थे, लड़की बुलाई थी और अन्नु और मेरी पत्नी दोनों सिस्टर जो है एक रेडमी मोबाइल अन्नु का लेके गई थी, वो दोनों साथ में फोटो भी खिंचाया था, वो लड़का बोला अमित प्रेम हमें। तो आप ये चीज जान रहे कि लड़की भी उसी के पास है? जी, उसी के पास है, और वो लड़का हम लोग को गुमराह कर रहा है। उसका फोटो वगैरह आया है? हाँ, फोटो भी है, फोटो भी है। जी, लड़का का क्या नाम बताया? अमित प्रेम। अमित प्रेम। जी, तो कैसे क्या आप लोगों के बीच अनबन भी होता था कि जो आपको छोड़ के चली गई? ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन वो भागी, उसके बाद वो लड़का इससे पहले हमको कैमरा लगाने के लिए बोला था, धमकाया था, चमकाया था, और वो रिकॉर्डिंग अपना पत्नी को सुनाए संजू को, तो शायद वो वही नंबर निकाल के वो लोभी में मतलब चले गई कि 8 को तुम कैमरा लगाएगा, 4-5 लाख रुपए देंगे। तो मैंने कोई भी अपना पति और पत्नी हस्बैंड को कोई बात तो रात में शेयर करेगा ही, तो मैंने अपने पति समझ के विश्वास करके उसे रिकॉर्डिंग सुनाया, तो उसी नंबर से धीरे धीरे वो बात करने लगी और उसी लड़का का इंस्टाग्राम ही से बात करती थी अनु कुमार। क्या करते थे जब आप शादी की, उसके बाद उसको कहाँ रखते? हमने शादी किया उसको रेंट पे मतलब भाड़े घर में रखा। आप क्या करते थे? हम एक सीसीटीवी कैमरा मिस्त्री हैं। अच्छा। कैमरा वैमरा लगाते हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी जब से वो भागी है तब से उसके गुहार कर रहे हैं, जिला प्रशासन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि हमें लड़की आके अपना डिवोर्स पेपर में साइन कर दे, उसके बाद वो कहीं रहे उसे मतलब नहीं। अब अगर वो आती है तो क्या उसको रखेंगे या नहीं रखेंगे? नहीं, हमको रखना नहीं है, वो आके अपना डिवोर्स पेपर में साइन कर दे, और वो साइन करेगी उसका भी वीडियो बनेगा और उससे 2-3 सवाल किया जाएगा,
वो जवाब देगी और उससे साइन करवा के उससे रफा दफा हो जाएंगे। क्या नाम बताया आपने? मेरा हुआ विजय कुमार साहब। मतलब पूरी मतलब पत्नी किसी तरह आ जाए और डिवोर्स दे दे, उसको लेकर आप लगातार जो है भटक रहे हैं। बस यही है, क्योंकि उसके लिए अपने घर द्वार परिवार को छोड़ के जी थाना में भी एप्लीकेशन लिख के दिए हैं। कौन से थाना में? टाउन थाना, नगर थाना में। क्या आश्वासन मिला? अभी तक तो नगर थाना से कोई आवेदन नहीं मिला है। कोई सुराग नहीं मिला है। क्या नाम बताया आपने? विजय कुमार साहब। इंस्टाग्राम से ही दोनों मिले थे। जी, तो ये हमारे साथ विजय कुमार थे, जो कि अपनी जो दुख भरी कहानी थी वो बता रहे थे कि किसी तरह यह जो है सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले मिस्त्री का काम करके जो अपनी पत्नी थी जिससे इन्होंने प्रेम विवाह किया था उसे रखते थे, उसे खुश रखते थे, उनका भरण पोषण करते थे, लेकिन इस बीच जो है किसी तीसरे शख्स की एंट्री हुई और वो दोनों आपस में जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से मिले। उसके बाद इसकी पत्नी जो है लगभग 18 महीने रहने के बाद जो है विजय को छोड़कर किसी अन्य लड़के के साथ जो है चली गई है। इनका जो अंदाजा है कि वो जो है लड़का बेगूसराय का रहने वाला है, उसी के साथ जो इसकी पत्नी फिलहाल रह रही है, लेकिन जो विजय कुमार है अब वो आगे चाहते हैं कि उसकी पत्नी आ जाए और इन्हें जो है डाइवोर्स दे दे ताकि ये अपने आगे का फैसला ले सके। ये भी कह रहे हैं कि अगर वो वापस आती है तो यह जो है उसे किसी भी कीमत पर अब रखेंगे नहीं, मगर वो डाइवोर्स दे दे और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, बस ये आगे यही गुहार लगा रहे। फिलहाल ये जो स्थानीय थाना है वहां भी आवेदन दिए हैं ताकि जल्द से जल्द इनकी पत्नी को ढूंढ कर लाया जाए और यह जो है आगे अपनी जो है जिंदगी को आगे जो है इससे बेहतर जी सके। मनीष कुमार, लोकल 18, कटिहार।